नमस्कारम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई सपना विद नवीन, वी आर हियर टू गिव यू अ मेंटल रिलैक्सेशन एपिसोड टुडे। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस थ्री प्राणायामास फॉलोड अप विद शवासन। एज एवरीबडी नो, टुडे लाइफ इज क्वाइट बिजी, बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड नाउअडेज इज क्वाइट slow, but there is a plenty of stress somewhere among everyone. So to release the stress, to get our mind in ease, in peace, we are going to practice today's session. So let's begin with our session. Naveen, please. चलिए, और हम सबसे पहले तीन बार खूब लंबे गहरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बीच की दोनों उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अंगूठा आगे, और ये दोनों उंगलियों और लेफ्ट नोस्टिल से धीरे धीरे श्वास भरना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रोकेंगे, फिर धीरे धीरे राइट नोस्टिल से बाहर निकाल देंगे। अगेन राइट से भरेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। फिर से दो इंपॉर्टेंट नाड़ी हैं, ईड़ा और पिंगला, जो हमारी लेफ्ट और राइट नोस्टिल्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये दोनों नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी में मूल स्थान पे जाके एक तीसरी नाड़ी में जाके मिलती हैं, जिसका नाम है सुषुम्ना। और जब हम इन नाड़ियों की शुद्धता कर लेते हैं और सुषुम्ना में इसका प्रवेश कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी के जो अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं वो ओपन होने लगते हैं, जिनको चक्रास भी बोला जाता है, या कुंडलिनी शक्ति के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसको भी हम ऐसे ही जागृत करते हैं। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। और जब भी हम योगिक अभ्यास करते हैं उसमें सबसे पहले नाड़ी शोधन ही किया जाता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन और शरीर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होता है, और धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। शवासन करने से पहले, या अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो मेडिटेशन करने से पहले भी इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिनका तनाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, और उसके बाद
शवासन जो हम कराएंगे उसका अभ्यास आप कर सकते हैं हमारे साथ साथ। इससे काफ़ी रिलैक्स आपका मन मस्तिष्क हो जाएगा। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसका आप अभ्यास करते रहेंगे और उसके बाद अब हम शवासन का अभ्यास कराएंगे। शवासन में आप हमारे साथ साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने मन को, अपने चित्त को शांत कर सकते हैं, जिससे आपकी निद्रा अच्छी हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी नींद की और मन शांत हो जाएगा। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे शवासन का। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और सपना यहाँ शवासन में लेट के साथ साथ अभ्यास करेंगे। चलिए अपना यहाँ लेट जाए, दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे और धीरे धीरे आराम से लेट जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, दोनों हाथ कमर के साथ में और खूब लंबे गहरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। सारे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कहीं भी कोई खिंचाव तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और हम अब शवासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे पे लेके जाएं और लेफ्ट पैर के अंगूठे को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपनी बॉडी से इसको अलग कर देंगे। ठीक ऐसे ही अब हम अपना ध्यान उंगलियों पे लेके जाएंगे और उंगलियों को रिलैक्स कर देंगे और तलवे को, एडी को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। ठीक इसी तरह से अपनी पिंडली को, घुटने को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स कर देंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। आपका पूरा लेफ्ट पैर आपकी बॉडी से अलग हो चुका है, बिल्कुल ढीला और बिल्कुल इसमें कोई भी हलचल नहीं है। ठीक ऐसे ही अब हम अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे, राइट पैर के अंगूठे को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी बॉडी से इसको दूर कर देंगे। इसी तरह से उंगलियों को एडी को और टखने को
बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। अब आपका घुटना, आपका एडी, आपकी पिंडली और अंत में थाई को भी बिल्कुल ढीला छोड़ के अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। अब हमारे दोनों पैर हमारे शरीर से अलग हो चुके हैं। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स नहीं हैं, बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, इनमें कोई हलचल नहीं है, ना ही कोई खिंचाव तनाव है, और अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे अपने हाथों पे लेके जाएंगे और सबसे पहले लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपनी बॉडी से इसको अलग कर देंगे। उंगलियों को हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। साथ साथ कलाई को, कोहनी को और ऊपर शोल्डर तक पूरे हाथ को ढीला छोड़ देंगे और अपनी बॉडी से अलग कर दें। आपका पूरा लेफ्ट हैंड आपकी बॉडी से अलग हो चुका है। अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक ऐसे ही। अब हम अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे। राइट हैंड के अंगूठे को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। और इसी तरह से अपने कलाई को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स कर देंगे। कोहनी को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स कर देंगे। कंधे को और पूरा राइट हैंड भी आपका आपकी बॉडी से अलग हो चुका है। अब आपके दोनों हाथ और दोनों पैर आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम अपना ध्यान लोअर बैक पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे लोअर बैक पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। लोअर बैक पे हिप्स वाले रीजन पे आप ध्यान देंगे, उनको ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें
और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। और लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। और धीरे धीरे अपर बैक दोनों कंधों को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम अपना ध्यान अपने चेहरे पे लेके जाएंगे। दोनों आँखों को ढीला छोड़ देंगे, अपनी ही आँखों से अपनी आँखों को देखने की कोशिश करेंगे, उनको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और अपने नासिका के अग्रिम भाग पर ध्यान लेके जाएंगे। इसको ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें, होठों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, बिल्कुल शिथिल कर दें। और ठीक इसी प्रकार कानों को और पूरे फेस को रिलैक्स कर दें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान हम गर्दन पे भी लेके जाएंगे। गर्दन को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। सिर पे अंत में जो सिर का हिस्सा बचा है, जो ज़मीन पे टिका हुआ है, उसको रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे और अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। अब आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है, इसमें कहीं भी कोई खिंचाव तनाव नहीं है। महसूस करिए अपने आप को कि आप हवा में तैर रहे हैं और आपका शरीर इतना हल्का हो चुका है। पक्षियों की आवाज़ आप महसूस करिए, महसूस करें उस परम आनंद की स्थिति को जो निरंतर आपके अंदर बनी हुई है। दोनों आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। इन्हीं विचारों के गतिमान होने से ही हमारे शरीर में गति चलने लगती है, क्रियाओं की, कर्मों की। और जैसे जैसे हम इन विचारों को रोक लेते हैं, इस स्थिति में अब हम फील करेंगे दूर से जो ये पक्षियों की आवाज़ आ रही है, इसको महसूस करेंगे। और आपके आसपास जो भी प्रकृति के अंदर हलचल हो रही है, महसूस करेंगे
हवा को महसूस करेंगे, जो पत्ते हिल रहे हैं उनकी आवाज़ को, और ये जो इतनी मधुर आवाज़ आ रही है पक्षियों की, इसके साथ खो जाएंगे एक ऐसी गहरी नींद में जो आपको असीम सुख प्रदान करे, असीम शांति दे और आपके मन को रिलैक्स करें। जब हम अपने ही मन की गहराई में जाते हैं, अपनी ही आत्मा के नज़दीक जाते हैं, और जब आत्मा के भी गहरे रूप में जाते हैं, तो वहीं हमें परम आत्मा के दर्शन होते हैं। वो परम आत्मा हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही निहित है और हमारे आत्मा के गहरे स्तर पर उसका वास है। हमें उसको महसूस करना है, उस स्तर तक अपने आप को लेके जाना है और अपने आप को शांत करना है। जो दिन रात विचारों की ये जो चैन बनी हुई है, अनवांटेड थॉट्स की, इसको विराम देने के लिए, मन को शांत करने के लिए हम शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। और अब हम अपनी चेतना को वापस लेके आएंगे और धीरे धीरे एक एक अंग को दोबारा से महसूस करते हुए और अपना ध्यान धीरे धीरे वैसे ही जैसे हम एक एक चीज़ को ढीला छोड़ते गए थे, भूलते गए थे, वैसे ही हमें अभी उन चीज़ों को दोबारा से महसूस करना है। और सबसे पहले हम अपना ध्यान वहीं लेफ्ट पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, उंगलियों को, एडी को, पिंडली को और धीरे धीरे घुटने को, लेफ्ट पूरे लेफ्ट पैर को, राइट पैर के अंगूठे को, इसी तरह से दोनों हाथों के अंगूठों को, उंगलियों को, कमर गर्दन पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, महसूस करेंगे और साइड में करवट लेके बैठ जाएंगे। लेफ्ट साइड करवट लेंगे और धीरे से अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखनी है आपको, और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों बीच की उंगलियां आंखों पे टिकाइए, दोनों कानों के ढक्कन बंद करेंगे और 3 बार अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए स्टार्ट।
रिलैक्स रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें और अंत में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। 3 बार लंबा गहरा श्वास भर के वैदिक ध्वनि ओम का उच्चारण करना है। चलिए स्टार्ट।